हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जो है नया जो जियो फ़ोन है इसमें फेसबुक कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा और आप अपने मोबाइल में जियो फ़ोन में जो है अच्छे तरीके से जो है किस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जियो फ़ोन का जो डेटा जो है ऑन कर लीजिए, ठीक है। ऑन करने के बाद अभी दोस्तों अभी आप लोगों को क्या करना है, ये फेसबुक का एप्लीकेशन दिख रहा है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है जियो फ़ोन में, तो आपको जियो स्टोर में जाइए, जाने के बाद डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग डायरेक्टली जो है फेसबुक में एंटर हो जाइए। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को जो है फेसबुक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जो है इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप अपने लैंग्वेज से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ तक आने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, ऊपर आप लोगों को देख रहा है लॉगिन। तो दोस्तों, अगर आप लोग का पहले से ही फेसबुक आईडी है बना चुके हैं, तो यहाँ पर लॉगिन में क्लिक कीजिए और अपना आईडी पासवर्ड देकर जो है लॉगिन हो जाइए। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अभी आप लोगों को क्या करना होगा, ये नीचे जो क्रिएट न्यू अकाउंट, सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दीजिए, ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए। तो मैं मेरा फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, तो मेरा नाम देवजीत है, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। और सीओ नेम भी डाल दीजिए यहाँ पर। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो देखते रहिए, मैं आप लोगों को फटाफट से दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरा जो यहाँ पर नाम हो चुका है, अभी आप लोगों को क्या करना है, डन के बटन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो मेरा मोबाइल नंबर पहले से ही है, तो मैं अभी क्या करूँगा, नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर दूँगा। तो नेक्स्ट के बटन में क्लिक करने के बाद कुछ देर यहाँ पर होगा आएगा, तो यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आप बैठा दीजिए। तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फीमेल है या फिर मेल है या फिर कस्टम है, जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड रख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ कोई सिंपल सा, आप अपना पासवर्ड दीजिए। और पासवर्ड देने के बाद दोस्तों वो जो अपने खाते में लिख रखना, क्योंकि नहीं तो बाद में अगर आप लोगों को पासवर्ड याद नहीं रहेगा तो आप लोग जो है फेसबुक ओपन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है। तो उसके बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, तो साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। तो कुछ देर वेट करना होगा, तो आप लोग जो है वेट कर लेना। वेट करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर मेरा क्रिएट हो चुका है। तो अभी आप लोगों को ओके में क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आप लोग कोई फ़ोटो मतलब रखना चाहते हैं तो फ़ोटो रख लीजिए। तो मैं यहाँ पर गैलरी ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से कोई एक फ़ोटो रख देता हूँ अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये ही रख देता हूँ। तो डन के बटन में क्लिक कर दिया।
तो ये पिक्चर अपलोड होने में कुछ टाइम लगेगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, तो आप लोग वेट कर लीजिए, तो मैं इसे अपलोड होने देता हूँ। गाइस बहुत ही आसान है फेसबुक का आईडी बनाना और जियो फोन में चलाना, तो आप लोग देखते रहिए, आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से फेसबुक चला पाएंगे अपने जियो फोन में, किसी भी जियो फोन में। दोस्तों हम लोग जो इसे अपलोड होने के लिए देते हैं, और होने के बाद ये दोस्तों अपलोड हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये हो चुका है। होने के बाद दोस्तों अभी आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ से टर्न ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर मैं आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से स्किप कर लेता हूँ। तो हो चुका है, अगर आप लोगों को किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, 5 फ्रेंड आएगा यहाँ से, तो मैं अभी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा, तो यहाँ से स्किप कर देता हूँ। अगर आप लोग किसी को मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, तो स्किप के बटन में क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा जो है फेसबुक आईडी जो है क्रिएट होकर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ से आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, नीचे आएगा फ्रेंड का ऑप्शन, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे फ्रेंड है, आप लोग यहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। और आप लोग अगर आपके दोस्त को मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर सर्च कीजिए, उनका नाम आ जाएगा, और मैसेज का बॉक्स इधर है, ठीक है। और अगर आप लोगों को फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन चेक करना है, इस घंटे के बटन में क्लिक कर देना, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपका प्रोफाइल देखना है तो ये 3 डॉट के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा व्यू प्रोफाइल, व्यू व्यू और प्रोफाइल में क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं इस यहाँ पर सेटअप नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। आप अपना प्रोफाइल का आईडी जो है आप लोग सेटअप कर लीजिए, आप कहाँ पर रहते हैं, बायो लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग लिखना नहीं जानते हैं, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने जियो फोन में किस तरीके से जो है फेसबुक आईडी ओपन कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।